आज हम बनले रहनी हा अपना तरफ के सत्तू के पराठा और चोखा के रेसिपी। हेलो दोस्तों, हम हैं एकता और भोजपुरिया स्वादिष्ट रसोई में रोवा सब लोग के बहुत बहुत स्वागत करते नहीं। आज रोवा सब खाती हम लेके आए बने सत्तू के टेस्टी सा पराठा और चोखा। बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बा, बिल्कुल हम यूपी बिहार में जैसे बनावल जला ऑथेंटिक पारंपरिक तरीका से बना करके एकरा के तैयार कैले बनी है। सत्तू के पराठा साथ में आलू बैंगन और टमाटर के टेस्टी सा चोखा, एक कॉम्बिनेशन सुन के ही मुंह में पानी आ जाला। ये इतना स्वादिष्ट लगेला। जब घर में पहले मम्मी बनावत रही हा तो हमरा बिल्कुल भी पसंद ना आवत रहला, लेकिन अब तो ऐसा भगेल बा कि हम जानबूझ करके एक पराठा के बनाए नहीं, इतना ही हमरा पसंद आवता। चलिए शुरू कर जाओ टेस्टी सा पराठा बना के रेसिपी। तो सबसे पहले हमने के चोखा बना के तैयार कर लेते नहीं जा, कहें कि चोखा बनावे में बहुत टाइम लग जाए। तो सबसे पहले आलू उबाले खाती हम रख दे बनी, और अब हम बैंगन में चार कट लगा देता नहीं तो नीचे के साइड से चार फारा में एकरा के हमने के काट ले ले बनी जा। साथ ही में टमाटर ले 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 बनी 5 से 6, और एक लहसुन की पोटली ले 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 बनी। गैस के ऊपर जाली रख दी और जाली पर हमने के रख दी जा टमाटर और बैंगन। तो बस बैंगन के तरीके से आप कट लगा के कीड़ा वगैरह खाली चेक कर ली ही, और बाद एक ऊपर रख दी, साथ ही में टमाटर भी रख दी और लहसुन भी रख दी। अगर आप चाहते हैं तो लहसुन बारीक काट करके भी एक में डाल सके नहीं चोखा में। अब हमें इस तरीके से फ्राई करते हैं तो सबके फ्राई कर देते नहीं एक ही साथ। तो इसलिए हमारे आलू बैंगन और टमाटर पाके में थोड़ा टाइम लगी, तब तक हम बाकी के भी तैयारी कर दे। 5 मिनट के बाद आप एक के वापस से पलट करके दूसरा साइड से पका सके नहीं। गैस के फ्लेम हमने के रखे के बटे बिल्कुल स्लो पर, और इसके देखिए एक साइड से हल्का पक गिल बा, तब हम एक पलट करके दूसरे साइड से रख देता नहीं। बीच बीच में एक चेक करत रह ताकि जले ना, और बहुत बढ़िया से एक हमने के फ्राई कर लेबे के बाद। गाँव में तो आग पर बहुत ही बढ़िया फ्राई हो जाता रहला, बट इसके हम गैस के ऊपर ही के फ्राई कर ले बनी। इसकी देखिए ऑलमोस्ट हमार आधा पक गिल बा। जब तक पूरा हमार बैंगन पाका था तब तक हम आटा गूंद के तैयार कर लेता नहीं। बिल्कुल रोटी के हमने के जैसा आटा बनाया नहीं जाना, गेहूँ के आटा ले ले बनी। थोड़ा थोड़ा पानी डाली और पानी डाल करके एक अच्छा सॉफ्ट सा एक डो बना के तैयार कर ली। तो इसकी देखिए बहुत बढ़िया सा डो बन गया हमार, बिल्कुल रोटी के जैसे बना लेबे के बाद एक ढक के रख दी 5 मिनट फूले खाती। तब तक अब एक कटोरी में हमने के स्टफिंग बना लेता नहीं जा। तेजगी एक बर्तन में ले 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 बनी सत्तू। तो चना के सत्तू इजीली आपको मार्केट में मिल जाए, और एकरा में डाल दी 1 से 1.5 चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट। साथ ही में डाल दी अजवाइन, अजवाइन के साथ डालो हम थोड़ा सा मंगरेला, 1 चम्मच अजवाइन 1 चम्मच मंगरेला। और अब जाए एकरा में 4 से 5 बारीक कटल हरी मिर्च। हरी मिर्च डालला के बाद हम एकरा में डाल दे खूब सारा धनिया के पत्ता, और अब एकरा धनिया के पत्ता के साथ हम डाल दे बारीक कटल प्याज। प्याज के साथ ही में अब एकरा में डालब स्वाद अनुसार नमक, और नमक के बाद हम इसके डाल दे सरसों के तेल। 1 चम्मच के करीब हम सरसों के तेल यूज़ के लिए बनी इसकी, और सरसों के तेल के साथ अगर आप चाहें तो इसकी नींबू के रस भी डाल सके नहीं। और हम इसकी डालते नहीं आम के अचार, तो 2 आम के अचार हम ले ले बनी, और साथ में जो आम के अचार में मसाला रहला ना तेल के साथ, वो हम 2 चम्मच के करीब इसकी डाल दे, और अच्छे से एकरा के साफ करके अच्छे तरह से मिक्स करी। गुठली वगैरह अचार में जो हो तो एकरा के निकाल दी, और बहुत बढ़िया से एकरा के दोनों हाथों से मसल करके मिक्स कर लेबे के बाद सत्तू हमने के जितना मसल के तैयार करब जाना उतने बढ़िया स्वाद आई। तो इसके आप देख सके नहीं बहुत ही बढ़िया से हमार स्टफिंग सत्तू के तैयार भगल बा। अब एक हम ढक के साइड में कर देते नहीं, साथ ही में एक बार हमने के चोखा के भी देख लेता नहीं जाते। इसके आप देख ली बहुत ही बढ़िया से हमारे टमाटर और बैंगन सब कुछ अब बहुत बढ़िया से पक चुकल बटे, और ठंडा भी भगल बा। अब हम सबके एक प्लेट में निकाल लेते नहीं, और प्लेट में निकाल करके बहुत ही आसानी से एक छिलका जोन बटे ना निकल जाए। तो बस एक छिलका निकाल ली, और अंदर के जोन गुद्दा बा सारा एक प्लेट में सेपरेट कर जाए, आराम से छिलका निकल जाए। और अगर आप चाहें तो एक के धोकर भी यूज़ कर सके नहीं, बट हम इस तरीके का डाल दे बनी। पहले हम बैंगन के धो करके ही पकेले रहनी है। बहुत ही अच्छे से देखिए कितना बढ़िया आसानी से पूरा का पूरा छिलका निकल के बाहर आ गया। यही तरीके से टमाटर के भी छील करके निकाल ली, और साथ ही में लहसुन भी निकाल ली है। और अब हम एक में डाल देते नहीं उबलल आलू। तो इसके 5 से 6 हम उबलल आलू एक में डालते नहीं, और सबके अच्छे से मिला लेते नहीं। बस इसके जब सब कुछ अच्छे से मिल जाए तब हम एक में डाल दे बारीक कटल हरा धनिया, एक मीडियम साइज के प्याज के
बारीक काट लेवे के बाद साथ ही में 3 से 4 हरी मिर्च के भी हम बारीक काट करके डाल देते नहीं। एकरा अलावा आप एकरा में मूली अदरक बारीक बारीक काट करके डाल सके नहीं। और वापस अब हम एकरा में डालता नहीं स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा सरसों के तेल। सरसों तेल डाली और अच्छे से मिक्स कर ली ही और ये हमारा चोखा बन के तैयार भगल बा। एकरों के ढक करके आप सेपरेट करी और चलिए फटाफट से हमने के सत्तू के पराठा भी बना लेता नहीं जा। सत्तू के पराठा बनाओ खाती इसकी एक लोई निकाली। सबसे पहले सूखा आटा हाथ में लगा करके जितना बड़ा आपके पराठा बनाओगे बा बिल्कुल वही साइज़ के आप लोई निकाल लें और सूखा आटा से करके अच्छे से कोट करके अच्छी तरह से झाड़ के तरीके से हम गोल गोल करते नहीं अंगूठा बीच में रख करके एक कटोरी के सेप दे करके तैयार कर लेते हैं। इसकी आप देख सकें बहुत बढ़िया सा सेप दे दिल बनी। अब हम एक में 1.5 चम्मच डालता नहीं सत्तू स्टफिंग डाली 1.5 चम्मच के करीब और दोनों हाथों से तरी घुमाते करके सील कर ली। बहुत ही बढ़िया से करके पैक कर ली ताकि बेल में या फिर सेके में फटे ना। तो जी आप देख सके नहीं एक स्टफिंग हम करके तैयार कर ले बनी। अब हम चकला के ऊपर डाल दे सूखा आटा और हम लोई में भी तरी से लगा करके दोनों हाथों से घुमा करके करके बराबर से चपटा कर ले। और अब बस हल्के हाथ से करके बेल करके हमने के तैयार कर लेबे के बाद अगर आप चाहें तो नहीं तो करा के मोटा पराठा भी बना सके नहीं। अगर आप चाहते नहीं तो एकदम पतला पतला भी एक पराठा बना के तैयार कर सके नहीं। तो देखिए कितना बढ़िया हम करा के बेल ले बानी एकदम मीडियम साइज में जैसा हम रख के चाहें। सूखा आटा लगाई बहुत ही बढ़िया से बेल ली साथ ही में आप तवा के गर्म होकर खातिर रख दी और तवा जब अच्छे से हीट पे गर्म हो जाए तब मीडियम से स्लो पर करके आप एक पे पराठा ऐड करी। 30 सेकंड के बाद एक के पलट ली और दोनों साइड से बराबर से एक अच्छा कलर आवे तक सेक लेवे के बाद बस आप चाहें तो करा के देसी घी में भी बना सके नहीं या फिर आप एक के तेल में भी पराठा के बना के तैयार कर सके नहीं। तो हमें इसकी देसी घी डालता नहीं 1 चम्मच डाल करके चारों तरफ से मिलाई बढ़िया से और मिला करके दूसरे साइड से भी पलट ली और दूसरे साइड से भी घी डाल करके अच्छे से मिला लेवे के बाद चारों तरफ फैला करके मिलाई। बहुत ही बढ़िया सा टेस्टी समर पराठा फुलल फुलल पराठा बन के तैयार भगल बा। बहुत ही स्वादिष्ट लगेला आप एक दही के साथ खाई तभी भी बहुत टेस्टी लगेला। मतलब एक स्वाद आप भुला ना पाए अगर एक बार ये सत्तू के पराठा आप खा ले तब। बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बन के तैयार भगल बा। अगर वह सबके पसंद आयल हुई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देव जा और फेसबुक पर बनी तो प्लीज़ हमार पेज के फॉलो करी ऐसा टेस्टी सा रेसिपी के साथ। फिर आप सबसे बहुत जल्दी मिलता नहीं और वीडियो के अपना फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलता नहीं एक नया रेसिपी के साथ नया वीडियो में। तब तक अपन बहुत बहुत ध्यान रखब जा। बाय बाय।